हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सर। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप भी स्पाइस मनी अधिकारी है, स्पाइस मनी एजेंट है, जी हाँ दोस्तों, तो आपके सेंटर में ये चार सर्टिफिकेट होना काफी जरूरी है। आप कौन कौन से सर्टिफिकेट है इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ये आपको अपने सेंटर में अवश्य लगाना है अगर आपको कोई भी आगे चल के परेशानी से बचना है तो। क्योंकि मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अभी के समय में जो कितनी फ्रॉड हो रही है उसके वजह से आपके लोकल में जो भी थाने वाले हैं, जो भी पुलिस इंस्पेक्टर है, वो सब आके चेकिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये सारी जानकारी वो लोग ले रहे हैं, जिसके बाद वो आपको वेरीफाई कर रहे हैं, जिसमें आपका भी फायदा है। अगर आप सारा चीज सही सही दिखा देते हैं तो आप में अपनी फायदा होता है कि उनके तरफ से भी आपको सपोर्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या परेशानी जो है हो सकती है, तो आपने नहीं देखा तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे ये चार सर्टिफिकेट कौन सी है वो मैं बताऊंगा, जो कि स्पाइस मनी अधिकारी को अपने शॉप पे अवश्य से अवश्य लगा लेना है। तो मैं पहले सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, फिर उसका यूज में बताऊंगा कि क्या क्या रहता है। तो चलिए हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले ये स्पाइस मनी का, यस बैंक का देख सकते सर्टिफिकेट, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कॉरस्पेंडिंग एजेंट करके दिया हुआ, देख सकते कुछ इस टाइप से है दोस्तों, ये स्पाइस मनी का है। दूसरा यहाँ पर ये आपके पास रहना चाहिए IIVF का, देख सकते कुछ इस टाइप से रहता है ये IIVF का सर्टिफिकेट, देख सकते ये आपके पास रहना चाहिए। तीसरा कुछ इस टाइप से आपको प्रिंट कर लेना है, ये मैनुअली बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है किसी भी बैंक से पैसा निकालते समय निकासी फेल्ड हो जाता है और आपका खाते से पैसा कट जाता है तो आपको 7 से 10 दिन का इंतजार करना होता है, वो पैसा दोबारा आपके बैंक खाते पे जमा कर दिया जाता है बैंक के माध्यम से। और चौथा रहता है दोस्तों IRCTC। जी हाँ दोस्तों, IRCTC का सर्टिफिकेट आपके पास रहना काफी जरूरी है। अगर आप ट्रेवल यूनियन के माध्यम से टिकट बुकिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर IRCTC का जो सर्टिफिकेट है वो होता है वो काफी जरूरी है। क्योंकि आज जो रेलवे के RPS डिपार्टमेंट के जो भी जवान हैं वो लोग रेलवे के जो भी टिकट है, आजकल तत्काल टिकट का काफ़ी मारामारी हो रहा है, जहाँ पर ही जो भी दुकानदार है वो तत्काल टिकट काटता है और उनके पास कोई भी अधिकृत लाइसेंस नहीं रहता है दोस्तों। तो ये तो ऐसे तत्काल टिकट काटने के लिए नहीं है, ट्रेवल यूनियन नॉर्मल टिकट काटने के लिए। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा क्या होता है, अनलिमिटेड टिकट बुक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फ़ायदा यही होता है दोस्तों, प्लस हर PNR पे आपको कमीशन दिया जाता है, तो ये एक फायदा रहता है। और इसका एक लाइसेंस भी निर्धारित किया जाता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू से दिया जाता है और जिस भी कंपनी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं उसके थ्रू से आपको दिया जाता है, जिसमें कि आपका वैलिडिटी दिया रहता है कि कितने साल के लिए है, कब आपका रिन्यूअल होगा, आपका नाम, एड्रेस, सारा चीज रहता है। तो ये चार सर्टिफिकेट आपके शॉप पे रहना काफी जरूरी है, जिसके बाद ही आप सुरक्षित रह सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज के समय में काफी फ्रॉड हो रही है और काफी केस थाने में जा रहे हैं, लोकल थाने पे जा रहे हैं और वो लोग इससे परेशान होके अब अपने लोकल पे चेकिंग कर रहे हैं कि कौन कौन लोग APS का काम करते हैं, IRCTC का काम करते हैं या फिर जो भी काम करते हैं उसका अधिकृत लाइसेंस उनके पास होना जरूरी है। अगर नहीं रहते हैं तो उनको वो चेतावनी देते हैं ये काम बंद कर दो या फिर आप इसका लाइसेंस लो और वर्क करो, क्योंकि ऐसे में काफी फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड करके लोग भाग जाते हैं दोस्तों। तो ये सब कारण थी कि आज के समय में 2024 में अगर आप स्पाइस मनी अधिकारी बने हुए हैं, एजेंट है, स्पाइस मनी के थ्रू से APS का काम, IRCTC काम और भी काफी सारे सर्विस अपने ग्राहक को देते हैं, तो आपके पास ये चार जो सर्टिफिकेट होना काफी जरूरी होता है दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ आपको कोई भी तरह का परेशानी है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन पर हमारी टीम का नंबर, साथ ही साथ स्पाइस मनी से जुड़ी हुई प्रोडक्ट आपको अगर लेना है तो वो भी आप हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।